नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo X100 Pro 5G versus OnePlus Nord 4 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X100 Pro 5G में 6.46 इंच जबकि Nord 4 में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि X100 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो X100 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि Nord 4 में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो X100 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि Nord 4 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X100 Pro 5G में 225 ग्राम जबकि Nord 4 में 199.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो X100 Pro 5G में 20:9 जबकि Nord 4 में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X100 Pro 5G में 6.78 इंचेस जबकि Nord 4 में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X100 Pro 5G में 1260x2800px FHD+ और Nord 4 में 1240x2772px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X100 Pro 5G में 89.87% जबकि Nord 4 में 89.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X100 Pro 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nord 4 में 451 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X100 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Nord 4 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X100 Pro 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nord 4 की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X100 Pro 5G में Immortalized G720MC12 जबकि Nord 4 में Adreno 732 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X100 Pro 5G में MediaTek Dimensity 9300 और Nord 4 में Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो X100 Pro 5G में 16GB की RAM मिलती है जबकि Nord 4 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X100 Pro 5G में 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nord 4 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी X100 Pro 5G में 5400mAh जबकि Nord 4 में 5500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X100 Pro 5G में 1 कलर्स जबकि Nord 4 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X100 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 57,090 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Note 4 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 32,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo X100 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Note 4 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X100 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 5G है, दूसरा Vivo V30 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A55 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S24 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।